हे ज हाई वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द रियल मी मैं हूँ शालिनी इफ यू नो डो माई चैनल और इट प्लीज टेक अ हैूम डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो और साथ ही साथ बेलाइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो से नोटिफाइ रहे क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोज सो या इन टूडेज वीडियो आई एम शेयरिंग और रिव्यूइंग टू प्रोडक्ट्स ऑफ निसी स्किन केयर विच वन इज अ लिप सीरम ऑयल एंड सेकेंड वन इज लैशेज एंड ब्रोज तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड निसी तो निसी इज़ अ इंडियन स्किन केयर ब्रांड इसके सारे प्रोडक्ट नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से बने हैं क्रलिटी फ्री हैं हंड्रेड परसेंट बेगिन है और सारे प्रोडक्ट काफ़ी यू नो अफोर्डेबल है लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ बात करते हैं लिप सिरम की तो इसका आउटर पैकेजिंग कुछ ऐसा है आप देख सकते हो सारे आपको इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज़ और कॉशन सारे आपको यहाँ आउटर पैकेजिंग में मिल जाएंगे जब इनर पैकेजिंग की हम बात करेंगे तो इसमें दो दो सेक्शन बना हुआ है एक में जहाँ पे ड्रॉपर आया था तो मैं तो इसे यूज़ कर रही हूँ पंद्रह से बीस पिछले पंद्रह से बीस दिनों से सो मैं ड्रॉपर बॉटल में लगा के रखा है नहीं तो ये सेक्शन जो है यहाँ पर ड्रॉपर था और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट था ओके okay. सो so, मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है तो इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बीटरूट है तो आप जानते हैं कि बीटरूट किसी भी चीज़ को यू you नो know, कलर में लाने के लिए उसके नेचुरल कलर में लाने के लिए या फिर कलर देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है सो so, हमारा जो नेचुरल लिप्स होता है वो रोज़ी पिंक या फिर हल्का सा रेडिश होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर बीटरूट यूज़ करने वाले हैं फिर दूसरा प्रोडक्ट इज़ स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भी कितना अच्छा होता है लिप कलर के लिए यू नो स्वीट आलमंड ऑयल वाइटामिन ई एंड कैस्टर ऑयल जोजोबा ऑयल ये सब कुछ ऑयल्स हैं जो इसमें मिक्सड हैं कैस्टर uh, ऑयल और ये जो भी ऑयल्स वगैरह हैं वो हमारे लिप्स को काफ़ी हाइड्रेट कर रखेंगे नरिश रखेंगे सो so, ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट ये रहा हमारा ड्रॉपर ये आप देख रहे हो थोड़ा सा रेडिश कलर आपको ऐसे भी दिख रहा है ये ये इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है मतलब जैसा सिरम का होना चाहिए लाइक आप ऐसे ड्रॉप कर दोगे तो वो आप, आपके लिप्स से नीचे नहीं आएगा जैसे आप बाम लगाते हो बिल्कुल वैसा ही रहे बहुत लोगों के लिप्स डार्क हो जाती है पिगमेंटेड हो जाती है चैप्ड हो जाती है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं लाइक सन एक्सपोजर स्मोकिंग और कभी कभी तो ये लिपस्टिक वगैरह भी यूज़ करने से हो जाता है मेरी ख़ुद के लिप्स कुछ पिछले कुछ दिनों से मुझे डार्क लग रहे थे तो मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च किया लोगों के रिव्यूज़ देखे मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं सोचा यार लेट्स गिव इट अ ट्राई ना और मैं इसे 10 से 15 दिन से यूज़ कर रही हूँ मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है सो so, इसको आपको क्या करना है ड्रॉपर में बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेना है अपने लिप्स पे वन से टू ड्रॉप इज़ इनफ और इसको थोड़ा सा मसाज करना है एंड दैट्स इट अब जाके मेरे लिप का कलर थोड़ा रिकवर हुआ है इसे मैं दस से पंद्रह दिन से यूज़ कर रही हूँ जैसा मैंने आपको बताया इसके पहले मुझे अपने डार्क लिप्स को छुपाने के लिए लिपस्टिक या फिर कोई डार्क मैट लिपस्टिक लगाना पड़ रहा था बट नाउ मुझे सिर्फ थोड़ा सा लिप बाम कोई ग्लोसी लिप बाम एंड आई एम गुड टू गो लाइक यू कैन सी ओके, okay. सो so, मैं इसको बहुत ही बड़ा सा थम्सअप दूंगी और जैसा कि अभी विंटर चल रहा है तो आपको और अलग से वैसलिन या फिर कुछ ऐसे पेट्रोलियम जेली का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपके लिप्स हाइड्रेटिंग रहेगी काफ़ी आपको इसे

हल्के हाथों से जेंटली लिप्स पे अपने स्क्रब करना है अपने ब्रश से ही आपको और फिर वॉश कर लेना है फिर उसके जो तो सबसे बेस्ट चीज़ है इस प्रोडक्ट की वो है ना इसका स्मेल लाइक इट स्मेल्स हेवनली मैन लाइक इतना यू नो फ्रूटी सा स्मेल बहुत ही स्वीट स्वीट सा स्मेल आता है इसे दो से तीन बार यूज़ करना है लेकिन मैं स्मेल की वजह से सिर्फ इसे पाँच से छः बार यूज कर लेती हूँ दिन में वैसे ये अगर आप uh, ओवरनाइट और मॉर्निंग में लाइक like, टू टाइम्स यूज़ करते हो तो मुझे लगता है ये तीन से चार महीने आराम से चल जाएंगी एक बार के यूज़ में मुझे लगता है एक ड्रॉप इज़ इनफ एक ड्रॉप से ही आपके लिप्स काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे काफ़ी हाइड्रेटिंग लगने लग जाएंगे सो so, ये आराम से आप एक बार अगर खरीद लेते हो इसका मैं प्राइस बता दे रही हूँ आपको ये 450 का मुझे मिला है इस पर प्राइस भी 450 है मैंने निसी के ही वेबसाइट से ऑर्डर किया था इसे सो दैट्स इट सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट is इज़ lashes एंड ब्रोज ग्रोथ ऑयल सीरम एज इट इज़ इसकी भी आउटर पैकेजिंग बिल्कुल वैसे ही दोनों में सिर्फ कलर डिफरेंस है और कुछ नहीं सब कुछ एज इट इज़ ही है सो so, इसमें भी दो सेक्शन मिलता है जहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट होता है और एक साइड ड्रॉपर होता है जैसा कि मैं इसे यूज कर रही हूँ पिछले 10 से 15 दिनों से सो so मैं ड्रॉपर ऑलरेडी लगा के रखी हूँ सो so, मैं इसका जो आईब्रो एंड लैसेस ब्रोज़ है उसके मेन इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ मेन इंग्रेडिएंट इज़ कैस्टर ऑयल जैसा कि हम सब जानते हैं कि हेयर ग्रोथ में कैस्टर ऑयल कितना ज़्यादा मददगार हेल्पफुल होता है चाहे वो कहीं का बाल हो हमारे सर का आईब्रोज का लैशेस का कैस्टर ऑयल नेचुरल एक्सटेक्ट ऑफ लेवेंडर ऑयल कोकोनट एंड कैस्टर ऑयल बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ़ हेयर फॉलिकल्स

ज़्यादा ड्रॉप नहीं लगेंगे एक से दो ड्रॉप आपको ब्रोज पे लगेंगे कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और थोड़ा मसाज देना है इसे और लैशेज में भी आपको ऐसे ही लगाना है आई होप आप समझ गए होंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे होप यू गाइज Found this video helpful? If you do, then please do like and subscribe to my channel, uh, the Real Me. And please comment section में कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड और मैं लिंक भी नीचे छोड़ दूंगी सो so, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप निसी के वेबसाइट से खरीद सकते हैं या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं ओके बाय बाय टेक केयर